बधाई अरे सुना जिंदास देवदास आ रहा है। मैं नहीं मानता काकी माँ, माँ झूठ बोल रही है। नहीं मैं सच कह रही हूँ, देखो मेरे हाथ में चिट्ठी दिखाओ, पहले चिट्ठी दिखाओ। शुभांकर आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा देव वापस आ रहा है। जल्दी जल्दी से बड़े भैया को खुशखबरी दो। बड़ी माँ बड़ी माँ, मेरा तूफान आ रहा है, तूफान। जय माँ दुर्गा, बधाई हो छोटी वालकिन, बधाई हो। रोते रोते कोई बधाई देता है, देखो इतने सालों के बाद मेरा बेटा वापस आ रहा है। वादा लेता हूँ बाकी लेकर मैं उसे लेने जाऊंगा। हाँ, सिर्फ मैं। हाँ, तुम ही जाओ लेकिन पहले सारी घड़ियों को चाबी दे दो। आज इतने सालों के बाद मेरा बेटा वापस आ रहा है। दोबारा चाबी देने से वक्त जल्दी थोड़ी कट जाएगा छोटे माँ, और ना ही बेटा जल्दी वापस घर आएगा। मैं जानती हूँ कुमुद, लेकिन देख तो मेरे दिल की धड़कन कितनी तेज हो रही है। समझ में नहीं आता कब ये दिन खत्म होगा, कब रात होगी। संदेश लाई हूँ। अरे सुमित्रा आप बड़े अच्छे मौके पे आई है। सुमित्रा काकी तो हमेशा मौके पर ही आती है, है ना? तो वैसे आपके संदेश तो पूरे गांव में मशहूर है। देखो तो दीदी, जाने दो ना, मुझे तो कौन आने वाला है, अभी जाने साथ वाले गांव के चट्टोपाध्याय बाबू। धत पगली, तुम यकीन ही नहीं कर सकोगी, मेरा तूफान आ रहा है, मेरा देवदास आ रहा है। श्रुति दीदी। हाँ हाँ श्रुति। दुग्गा दुग्गा, बधाई हो दीदी, बधाई हो। पता है आज 10 साल के बाद मैं अपने बेटे को देखूंगी, कैसा दिखता होगा वो, उसकी आवाज कैसी होगी, कैसे पुकारेगा वो मुझे। ये रात कैसे बीतेगी सुमित्रा, ये रात कैसे बीतेगी। सच कहूं आज पल के झपकने को भी दिल नहीं करता। अगर मैं पल की बंद करूं और वो आ जाए तो। अरे दीदी, मेरी आंखों के सामने तो अभी भी वो बचपन का देवदास है। हमारी हवेली में आता था और दरवाजे के पीछे से यूं झांक कर पूछता था, काकी माँ पारो है। लो, शुरू हो गए काकी माँ की नौटंकी। और याद है सुमित्रा, जब देव रूट के चला जाता था तो वो पारो को कहते थे, जाके उसे ढूंढ के लेके आ। हाँ, और वो दोनों हमेशा अमरूद के बागीचे में ही मिलते थे और धर्मदास उनके कान पकड़ कर लेके आता था। कितनी गहरी दोस्ती थी। हाँ दीदी। और तुम्हें याद है दीदी, जिस दिन तुमने देवदास को पढ़ने के लिए विदेश भेजा था और उसकी बग्गी के पीछे कैसे पागलों की तरह दौड़ी थी हमारी पारो। अरे ओ देवा, तपती धूप में पथरीली जमीन पर पांव छिल रहे थे, फिर भी पागलों की तरह दौड़ी जा रही थी और चिल्ला रही थी, मैं भी देव के साथ जाऊंगी माँ, मुझे भी देव के साथ जाना है, मुझे भी विदेश जाना है। पागल हो गई क्या? कहाँ भेजती मैं उसे विदेश, पगली मेरी बच्ची। देव के 3 रुपए लौटाने। दिया जलाकर इंतजार करो तो जाने वाला जल्दी आता है। ये मानकर आज 10 साल से देव के नाम का दिया जलाती रही, एक पल के लिए भी बुझने नहीं दिया दीदी। मैं उसे बताकर आती हूँ। हाँ। वो बहुत खुश होगी। हाँ। बहुत खुश होगी वो दीदी। हाँ, हाँ, सुमित्रा जाओ। बेटा आपका आ रहा है और आपसे ज्यादा खुशी उन्हें हो रही है। क्यों ना हो, आखिर हमारे पड़ोसी जो है और पारो और देवदास बचपन के दोस्त भी हैं। अब बचपन कहाँ रहा छोटू माँ, अब तो दोनों जवान हो चुके हैं। ये काकी माँ के संदेश। देवदास आ रहा है।
तुझे क्या क्या बताओ, क्या क्या तैयारियां चल रही है वहां पर। दीदी तो जैसे पागल हो गई है और सारी हवेली तो खुशी से झूम उठी है। और अरे ये क्या पगली, तू रो रही है? कहीं ये खुशी के आंसू देव के आने से पहले इस दिए को बुझाना दे। नहीं माँ, दुनिया की कोई भी शक्ति इस दिए को नहीं बुझा सकती। उड़ी बाबा, जरा हम भी तो देखे कितनी शक्ति है इस दिए में। और तुम वहां थे, तुम वहां थे, तुम वहां।
जल्दी करो, देवदास आ गया। जल्दी करो, आ रही हूँ रे बाबा। आरती का दिया जला रही थी, कुछ कभी रह जाती तो। बड़ी माँ से कहो देव आ गया है। अरे माँ, इतना वक्त लगाओगी तो देवदास अपनी आरती खुद उतारेगा। अरे ऐसे कैसे आरती खुद उतारेगा, आज मैं उसकी आरती उतारूंगी। एक मिनट रुको 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 रुको, आज देवदास को सबसे पहले मैं देखूंगी। तुम लोग सब अपनी आंखें बंद करो। अरे बोल दी, करो ना मेरे लिए। ठीक अच्छे, हाँ छोटी मार्केट। देवदास, अरे यकीन नहीं होता 10 साल में दुनिया इतनी बदल जाएगी। अरे कल तक जो मेरे कंधों पर खेला करता था अपना देवा, सच आज मुझसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अरे एक बार देखोगी तो पलके झपकाना भूल जाओगी। इतना भी पत्थर पाना, बता मेरा देव कहाँ है। अरे रास्ते में उतर गया, कहने लगा अपनी पारों से मिलकर आता हूँ। आता ही होगा, आ जाएगा अभी। आ गया मेरा देवा, आ गया। छोटू माँ, आप तो कह रहे थे कि सबसे पहले देवदास को आप देखेंगी, पर अब तो पारो की नजर लगेगी उस पर। भाभी छोटू माँ, इसका क्या करना है? क्या बात है, पारो से मिलने गया है, अभी आता ही होगा। पारो, लगता है देवदास आया। देवदास केवन आचो भालो तो आ बेटा, आओ आओ आओ। अरे चित्र सूट में तो एकदम अंग्रेज लग रहे हो तुम। हम सब तो तरस रहे थे तुम्हें देखने के लिए। कौशल्या दीदी तो बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पारो कहाँ है? अरे अभी अभी तो गई थी, न जाने कहाँ चली गई पगली। कह रही थी जब देव आएगा तो ये करूंगी वो करूंगी, यूं लड़ पड़ूंगी, यूं नोच लूंगी। और अब जब तू आ ही गया है तो ऊपर छुप कर बैठी है। ए पारो, मैं ऊपर जाऊं? हाँ हाँ बेटे जा, जा तू ही जाकर मिल ले उससे। कैमन आछो पारो? बहुत दिनों बाद मिले हम, पलट कर देखोगे नहीं मेरा चेहरा। दिन तुम्हारे लिए दिन होंगे, मेरे लिए तो 10 साल 6 महीने 4 दिन और 3 पहर। तुम्हें हम कभी याद नहीं आए? हाँ पारो। झूठ, 10 साल और सिर्फ 5 चिट्ठी? साल में मौसम भी 4 होते हैं, कम से कम हर मौसम की 1 चिट्ठी तो लिखी होती। अब कुछ समझदारी की बातें करने लगी हो, तुम बड़ी हो गई हो पारो। अगर सागर सामने हो तो झरने को नदी बनने में क्या देर लगती है। तो फिर अपना चेहरा दिखाने में इतनी देर क्यों? आज इतने सालों बाद ये चांद खिला है, डर था कहीं तुम्हारे होश न उड़ा दे। इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं। कैसे करता, उस चांद पर दाग जो है। तो ठीक है पारो, आसमान में चांद खिलने के बाद ही देखेंगे तुम्हारा चेहरा, देखे कौन होश उड़ाता है, उस चांद का नूर या तुम्हारा कुरूर। पारो, तुम्हें कोई और छुए मुझे अच्छा नहीं लगता। बाउदी, बाउदी देखो देवदास आ गया। आने दो उसे, अब रुकना छोड़ दो। मैं उसे बात नहीं करना चाहती, उसे कहो कि चला जाए यहाँ से।
अरे माँ इतने मैंने कहा ना मैं उसे बात नहीं करना चाहती। माँ उसे जा मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहती। अब क्यों क्या खराबी है मेरे चेहरे में? वहां पारो नहीं देखना चाहती यहां पर आ। 10 साल तक इंतजार हम करें और स्वागत करें पड़ोसी तो चला जा अपनी पारो के पास। आंखें नहीं खोलोगी? नहीं खोलूंगी। मेरा चेहरा भी नहीं देखोगी? तो ठीक है मैं जा रहा हूं यहां से। लेकिन देव कहां भैया? कहां जा रहे हो देव? रुकिए तो, आपने उसे जाने क्यों दिया? मैं तो मजाक कर रही थी। मैं भी मजाक कर रहा था। देव गया था छोटा तूफान बन और लौट रहा है बड़ा वकील बन गया, लेकिन तेरी शरारत नहीं बदली। बाबूजी। बेटा वो सुबह ही कचहरी चले गए, अचानक उन्हें कुछ जरूरी। अच्छा अच्छा। रोज रोज की फरियादें, आज देव और पारो पाठशाला में नहीं गए। आज देव को हुक्का पीते पकड़ा गया, सारा दिन उस पारो के साथ गांव में आवारा करती। अब एक पल के लिए भी इस हवेली में नहीं रहोगे तुम। ना जब मैं गया था तब भी वो यहां पर नहीं थे, आज मैं वापस लौटा अभी वो यहां पर नहीं। देव तुम जानते हो अंग्रेजी सरकार उन्हें सर का खिताब देने वाली है। अच्छा? हाँ, तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे वो। अच्छा। खुश तो होंगे ही, मगर कचहरी में। हमारे खानदान में तो जब बेटा इतने सालों बाद घर वापस आता है तो बाबूजी बाहें फैलाकर उसका स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है बहू। देवदास, आई एम अ सोनल। बड़ी माँ। मैंने तुझे एक अच्छी विदेशी घड़ी लाने के लिए कहा था, लाया तू? नहीं, पर अच्छा वक्त लाया। ठीक तो इस तरफ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। अरे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अच्छा, वहाँ लोग सिर्फ कागज ही इस्तेमाल करते हैं। और क्या, और कभी कभी तो कागज भी इस्तेमाल नहीं करते थे। अच्छा। मैं तो किसी से हाथ ही नहीं मिलाता था। परेशान करो अभी देखो ना। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। देवदास को देख रही थी, कैसा लगा तुझे? मैं नहीं बताती। अरे बता ना, कैसा लगा तुझे? एकदम बोका। धुत, और तुझे देखकर वो क्या बोला? मैंने तो अपना चेहरा दिखाया ही नहीं। माती भी शक्ति। हे राम, तड़प रहा होगा बेचारा। तड़पने दो। अरे इतना भी मत तड़पाना उसे, नहीं तो बचपन की तरह फिर से आ धमकेगा दरवाजे पे और पूछेगा काकी माँ पारो है। अब तो ये चेहरा चांद के साथ ही दिखाऊंगी। Thank you.
और ये तीसरा पत्ता अमी जीते के जी। अमी जीते के जी। वो क्या कर रहे हो? जरा के लिए रह गया मैं। हमेशा जरा के लिए रह जाते हो तुम। जाने दो ना कुमुद, एक बाजी उसने जीत ली तो क्या हुआ? ऐसा नहीं है बहुदी, आज शुभंकर का दिन है, आज और कोई जीत ही नहीं सकता। ये देखो ये पारो है तो पारो भी नहीं जीत सकती। शर्त लगाती हो काका? अरे शर्त मत लगाना काका, लूट के ले जाएगी, लूट के। क्यों रे पारो, क्या लेकर आई है? संदेश देवदास के लिए, माँ ने भेजा है। ओ देवदास कहाँ है भाभी? लो देवदास और कहाँ होगा, लंदन वाले बाबूजी तो ऊपर अपने कमरे में होंगे, दूरबीन से लंदन ही देख रहे होंगे। साजन को मिलने सजनी। देखा छोटू माँ, पहले तो आपसे मिलती भी थी और एखन सुंदरी देवदास से मिलने के लिए सीधा ऊपर चली गई। देख रही हूँ आजकल सुमित्रा के घर से संदेश बहुत आ रहे हैं। आज चांद जमीन पर कैसे उतर आया? तुम्हारे होश उड़ाने। ये क्या है? अपना अंदाज आजमा रही हूँ। ठीक रहा? गलत हो ही नहीं सकता। क्यों? तुम्हें बचपन से जो जानती हूँ। या ये क्या है? थाली। थाली है, मुझको भी मालूम है, लेकिन इसमें है क्या? बहाना। ए, मेरे लिए संदेश है ना? देख लो। ये तो खाली, इसीलिए तो बहाना है बुद्धू। उरे बाबा, ए तो राग रूठना तो कोई तुमसे सीखे देव, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। तुम भी तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो। कैसी? कमार। हाँ अब तो हम सब गवार ही लगेंगे ना, लंदन से जो पढ़कर आए हो। वैसे लंदन बहुत बड़ा शहर है ना देव? लंदन की बात ही कुछ और है, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी इमारतें, एंड ट्रफाल्गर स्क्वायर, पिजन्स, कबूतर, रानी का महल, और जिधर देखो बस चहल पहल। डू यू नो पारो, लंदन के लोग अपनी दुनिया में ही मस्त हैं। और तुम? Of course, you are so silly. Mention not. अच्छा देव एक बात बताओ, तुम्हें कभी गांव की याद नहीं आती थी? कभी नहीं, कभी भी नहीं, कभी 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 मेस का खाना खा के दिल उब जाता था तो माँ की रोटियों की याद आ जाती थी, बस that's it. वहां कोई डांटता था लंदन में तो बाबूजी की याद आ जाती थी, और कुछ नहीं। शाम को घूमने को निकलता था तो धर्मदा की बग्गी की, और रात को नींद नहीं आती थी तो बड़ी मां की थपकियां, बस। देव और और क्या? मैं कभी नहीं, एक बार हल्की सी तुम्हारी कभी याद नहीं आई पारो। सच देव, मैं कभी याद नहीं आई? बात तो वो याद रहती है ना पारो जिस बात में कोई बात हो, लेकिन तुम में तो कोई बात है ही नहीं ना। सच कहा देव, बात तो सिर्फ तुम में है। या इसीलिए तुम्हारी लिखी उन 5 चिट्ठियों को दिन में मैं 5-5 बार पढ़ती थी, तो साल में कितनी बार पढ़ ली होंगी देव? अगर और 10 साल में तो 2 बार से उसको अगर 18,250 बार, और तुम में इतनी बात है देव कि 10 साल पहले तुम्हारे नाम का दिया जला था मैंने और उससे आज तक बुझने नहीं दिया, वो कितने घंटों से चल रहा है जानते हो तुम? अगर हम हिसाब लगाएंगे तो 87,600, और तुम में इतनी बात है देव कि दिन के हर पल में मैं तुम्हें याद करती थी। दिन में पल कितने होते हैं देव जानते हो? मुझे पता है, मैं बताता हूँ। हिसाब के बड़े कच्चे हो तुम। ए ए पारो, एक बात होती थी तब तुम बहुत याद आती थी। कब? जब जब मैं सांस लेता था तब तो।
या तो वो आते जिन्हें बुलाया जा सकता हो। कमार, कितनी आसानी से गिनवा दिया कि तुम्हें हर पल मेरी याद आती थी, लेकिन ये नहीं सोच कि उन पलों में बीतता तो मैं ही था। दिया तुम जलाती थी पर जलता तो मैं ही था। क्यों? बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात चल रही थी, कहो तो बता दूं। और उस बात में दो नाम है, पारो और देवदास। ऐ जोमीदार बाबू, आपने कैसे जाना? कुमुद बता रही थी, देव और पारो का नया नाटक शुरू हो गया है। घंटों एक दूसरे को दूरबीन से देखते रहते हैं, घर आने का बहाना चाहिए तो संदेश भेजते रहते हैं। अमर ऐसे भालो लागे ना, और वो सुमित्रा, वो तो दिन में ही पारू और देवदास की शादी के सपने देखने लगी है। दिन के सपने सच नहीं होते कौशल्या। नीलकंठ ने तो नौटंकी वाली से ब्याह कर अपनी नाक कटवा ली, अब क्या उस नीच कुल से रिश्ता जोड़कर हम भी अपने खानदान की हंसी उड़वाएं? बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन सुमित्रा को तो आप जानते हैं, जो मन में आए बोल देती है। किसी दिन सचमुच रिश्ता लेके आ धमकी तो जवाब क्या देंगे हम? जवाब ना ही आएगा। छुप छुप बोलो, क्यों ना आएगा बताइए। वो तो सर जमींदार है और हमारे सर पे तो छत टपक रही है। किधर? सुमित्रा, अब डाक खाने में भी हमारा पता बदल गया है। श्योति? श्योति नीलकंठ चक्रवर्ती पुरानी हवेली। मैं पूछती हूँ क्या कमी है हमारी पारो में? लिख पढ़ सकती है, देखने में भी सुंदर है, अगर हमारी बिरादरी में पारो की बात चलाए ना तो 10 लड़के खड़े हो जाएंगे पैसे लेकर। श्योति, श्योति आप ऐसे ही पारो की चिंता कर रहे हैं, देख लेना एक दिन वहीं से न्योता आएगा। तुम अपने ख्यालों में खोए रहो, मैं तो चली चैन की नींद सोने। गहने, ये सब मेरे लिए? तुम हमें बेटा दोगी और हम तुम्हें कुछ न दें? बड़ी माँ ने खजाना खोला है, लूट लो भाभी। लूट लेते हैं। बड़ी माँ, ये कंगन तो बहुत ही सुंदर है, ये तो मैं जरूर पहनूंगी। नहीं 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 बहू, वो तेरे लिए नहीं है। फिर किसके लिए? वो तो मेरे देवदास की बहू के लिए है। लाओ जरा। ठीक है तो फिर सब देवदास की बहू को ही दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुमुद, और नहीं तो क्या, घर में बड़ी बहू मौजूद है और जिसको देखो आने वाली की चिंता कर रहा है। ये देखो भाभी, कितना अच्छा कंगन है, आपके हाथ पर खूब सजेगा। ऐसे कंगन तो हमारे यहाँ दासियां पहना करती हैं देवर जी। तो ठीक है, अपने आप को दासी समझकर पहन लो, क्यों बड़ी माँ? हाँ हाँ, तो मैं दासी बन गई हूँ इस हवेली में, बात चाहे कुछ भी हो देवर जी हमेशा बीच में आ जाते हैं। आप तो छोटी बात का बड़ा तमाशा बना रही हैं भाभी। मैं तो मजाक कर रहा था, आप कहें तो मैं शादी नहीं करूंगा। मुझे मजाक बनना पसंद नहीं है देवर जी। क्यों बार बार उसका मजाक उड़ाते रहते हो? और आप भी बड़ी माँ, उसका दिल रखने के लिए हाँ ही कह देती, आप जानती है उसका स्वभाव कैसा है, उसकी गोद भराई और उसी को रुला दिया, अभी जाके उसको मनाना पड़ेगा। बाबरे बाबा माता। नीम के पत्ते को शहद में डुबो तब भी वो कड़वा ही लगता है। तू बता, तुझे कैसी लगे कंगन? बिल्कुल तुम्हारे जैसे, बहुत खूबसूरत। किसे पहनाओगे? देखना चाहती हूँ। ये लो। क्या करूँ? अरे देखो इसमें से, और इसमें से जो दिखाई देगी उसी के हाथों में पहनाऊंगा ये कंगन। अरे अरे रुको रुको। दूर। बाबा रे। इश। सुमित्रा, आश्टी, आश्टी। इसे पहनाएगा तू? पागल है कि? हाँ हूँ, पर इतना नहीं, ऊपर देखो बड़ी माँ, वाह। वो तो
तो पार्वती। आलो ना। आलो तो, लेकिन उसे तो रोज देखती हूँ मैं। पर आज जरा बहू की तरह देखो, देखो देखो। ओड़ा मुखी। अब क्या हुआ? दूरबीन से झांक रही है। चुप गई। तुम्हें देख के शर्मा गई होगी। अच्छा, तो दूरबीन से बातें हो रही थी। हाँ बड़ी माँ। अरे देखो पोड़ा मुखी क्या करी, देखो देख के बताओ क्या करी। देखो 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 देखो। ओ माँ गो, देख तो तिरछी नजर से हमें देख रही है। भागी भागी। अरे भागते भागते तू भी आ गया देख। छोटी बात का बड़ा तमाशा कैसे बनता है, ये अब मैं दिखाऊंगी छोटू माँ को। छोटू माँ, ओ गो छोटू माँ। आज तुम्हारी दूरबीन से झांकने वाली चोरी पकड़ी गई। चोरी तो तुम्हारी भी पकड़ी गई, इसलिए तो मुझे भी सजा सुनाई गई कि मैं आके तुम्हें सजा दूं तुम्हारे लिए। क्या तोहफा? जब लाए ही हो तो पहना भी दो। तुम्हारे हाथ में ये चूड़ियां हैं ना। बुद्धू। अच्छा छोड़ो, एक बात बताओ देव, लंदन कहाँ है? पश्चिम में। सूरज कहाँ डूबता है? पारो, पश्चिम में। क्या लंदन में सचमुच सूरज 5 घंटे देरी से उगता है? हाँ वो तो है। इसीलिए तुम सब कुछ देरी से समझते हो। हाँ वो तो। विदेशी गवार, जब चूड़ियां उतारना नहीं जानते तो कंगन क्या खाक बनाओगे? मेरी पिया बड़ा बेटा।
देखेछो छोटमा, बचपन की मेहंदी का रंग जवानी में आके चढ़ रहा है। आज तक सुमित्रा के यहाँ से संदेश आते थे, आज तुम संदेश भेज दो, कह देना कि हमने बुलाया है, पारो अब जवान हो गई है। की करछो? एटा की करछो? की होलो माँ? बाबा माँ की होय छे? लगता है तुम्हारे माँ पागल हो गई है। हाँ हाँ मैं पागल हो गई हूँ खुशी के मारे, क्योंकि जो सपना आठों पहर मेरी आंखों में रहता था अब वो नहीं होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि वो सच हो गया। माँ कैसा सपना? कौन सा सपना? बताती हूँ। अरे पगली, बड़े घर से न्योता आया है। पता है माँ, कुमुद भाभी की गोद भराई है। बात सिर्फ इतनी नहीं है पारो, कौशल्या दीदी मुझसे मिलना चाहती है। कह रही थी पारो अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। सच पारो, मांग में सिंदूर, आंखों में सपने, सर पर घूंघट ओढ़े, धीमे धीमे कदमों से जब तू उस घर में चलेगी ना, तो तेरी पायल की आवाज पर हमारे घर की खुशियां नाचेंगी। ए जोमीदार बाबू, कैसी लग रही हूं मैं? पारो कहां है? वो नहीं जा रही तुम्हारे साथ। कितने दिनों से आज की शाम का इंतजार था, सज धज कर तैयार भी हो गई थी, पर जब जाने का वक्त आया तो शर्मा कर चली गई घाट पर। क्यों? पगली डरती है कहीं उसी के सामने उसकी शादी की बात ना कर दूं। सामने से रिश्ते की बात तुम मत छेड़ना सुमित्रा। पंडित जी ने 7 बजे तक का मुहूर्त दिया है, तब तक अगर उन्होंने बात नहीं छेड़ी तो मैं छेड़ दूंगी। वैसे आप चिंता मत कीजिए, जवाब ना नहीं होगा, आशीर्वाद दीजिए। सारे मेहमान आ गए, ये सुमित्रा काकी अब तक क्यों नहीं आई? सपने देख रही होगी पारो और देवदास की शादी के। वैसे कुमुद, मैंने पारो के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। कौन सा? पास वाले गांव के चट्टोपाध्याय बाबू। वो बधाई हो दीदी, बधाई हो, आपको पोता बहुत 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 सुमित्रा, मुबारक सुमित्रा, हो। सुमित्रा सुमित्रा, इतनी भी जल्दी कहाँ, अभी तो देर है। अरे ना कहाँ दीदी, बस महीने 2 महीने की तो बात है, फिर तो सारी हवेली में तब तो मैं भी आपको दीदी नहीं दादी कहूंगी। तुम भी अपने पारो की जल्दी शादी करा दो, फिर मैं भी तुम्हें सुमित्रा नहीं नानी कहूंगी। उसी के बारे में तो बात करने आई हूँ दीदी। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। सुना है तुम्हारे खानदान में पैसे लेकर लड़की देते हैं? ना दीदी, वो तो बहुत पुराना रिवाज था, हम तो अपनी पारो का कन्यादान करेंगे दीदी। तो फिर तय हुआ, पारो का कन्यादान हम करेंगे, सारा खर्चा हम उठाएंगे, आखिर पारो भी तो हमारी बेटी है। ना ना दीदी, बेटी का ब्याह तो माँ बाप का सपना होता है, रही खर्चे की बात तो उसे बांट लेंगे। तो फिर बात पक्की हो गई सुमित्रा? शुद्धि दीदी। हाँ शुद्धि। तब तो आज महफिल में आप ही रंग जमाएंगी काकी माँ, ऐसा नाच गाना दिखाइए कि देखने वाले देखते रह जाएं। अरे ना ना बाबा। क्यों ना? तुम्हारा खानदान तो जात्रा में नाच गाने का ही काम करता था ना, नौटंकी का। हाँ दीदी, लेकिन वो तो बहुत सालों की बात थी। ना ना काकी माँ, आप कोई बहाना नहीं चलेगा, आज तो आप गाएंगी और नाचेंगी। ना बाबा अभी ना। अरे क्यों शर्मा रही हो, समझ लो कि तुम्हारे पारो की शादी हो रही है और तुम नाच रही हो। अब तो मैं ना कर ही नहीं सकती ना, आज तो रासलीला जमेगी, खूब जमेगी।
चेहरा था। रात की जवानी पे चांदनी का पहरा था। क्या है? शगुन का सिक्का दीदी। आपका बेटा और मेरी बेटी, पारो और देवदास का रिश्ता। होश में तो हो तुम सुमित्रा? तुम माँ बेटी को यहां इसलिए बुलाया था कि मिलकर कोई नौटंकी करोगी तो लोगों का मन बहलेगा, लेकिन तुम तो जादू दिखाने लगी। देखा कुबुद, तुम सच कहा करती थी। सुमित्रा काकी हमेशा मौके पर ही आती है और मौके का फायदा उठाने से बहुत अच्छी तरह से आता है।
बचपन में इसकी बेटी हमारे बगीचे से अमरूद चुराया करती थी। आज इसकी नजर हमारे बेटे पर पड़ गई। ना दीदी, ये बात सच नहीं है। देवदास और पारो बचपन के साथी हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। आपका परिवार बहुत बड़ा है दीदी, आपकी नजर नहीं पड़ी होगी, पर उन दोनों की तड़प का एहसास है मुझे। इस रिश्ते को मत ठुकराइए दीदी, चाहे उसके बाद आप हमसे कोई रिश्ता ना रखें। अरे जब कुएं का पानी ही खराब हो तो घड़े की जात क्या देखनी सुमित्रा। बस तुम्हारी अदाओं में रियाज नहीं, लेकिन खून तो वही है, नौटंकी वाला। हम जमींदार हैं, मच्छी खाते हैं, लेकिन कांटे को हलक में फंसने नहीं देते कभी। एक तो पड़ोसी का घर, ऊपर से नीच कुल। चलो भूल जाओ कि तुम नीच कुल की हो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि तुम नीच कुल की हो, लेकिन अपनी औकात का तो ख्याल रखती। अपने खोटे सिक्के को यहाँ चलाने की कोशिश मत करना सुमित्रा। छोटू माँ, छोटू माँ, छोटू माँ, जाने दीजिए ना छोटू माँ। देव भैया को तो हम किसी भी तरह समझा लेंगे, है ना? और रही बात पार्वती की, अगर ना संभल पाए उसकी जवानी तो भेज देना उसे देवर जी के पास। जमींदारों को ऐसी बातों से कलंक नहीं लगता। जमींदार घराने की बहू होकर इतनी भी तमीज नहीं कि जब दो बड़े बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलते। सुमित्रा बस, तुम्हारे शब्द अब मेरे मान की मर्यादा को पार कर चुके हैं। आज तक तुम मेरे लिए दीदी थी, आज के बाद सिर्फ कौशल्या। और कौशल्या, गाना तो तूने भी उस दिन गाया था जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी, याद है ना बड़ी माँ? इसने मेरी बेटी को मुझसे छीन कर कहा था कि ये मेरी बेटी है सुमित्रा, और मैंने भी हंसकर हाँ कर दी थी। तब मुझे क्या पता था कि बड़े जमींदार की बड़ी हवेली की बड़ी मालकिन इतने छोटे दिल वाली होगी कि अपने बागीचे से चुराए हुए अमरूद का हिसाब भी रखती होगी। बता, है हिसाब तेरे पास कितने अमरूद चुराए मेरी बेटी ने? बोल। अमरूद चुराती है? अरे कौशल्या, जितने अमरूद मेरी बेटी ने तेरे बागीचे से चुराए है ना, उससे ज्यादा निवाले तेरे बेटे को मैंने अपने हाथों से खिलाए है। अमरूद चुराती है, नीच कुल। हाँ, मत दे, हम है बेटी बेचने वाले, पर धंधा तो तुम भी करती हो कौशल्या। हम तो पैसे लेकर सामने से बेटी देते हैं, तुम तो दहेज भी लेती हो और बेटी भी। सिक्का सही है या गलत, उसकी पहचान आवाज से होती है, लेकिन उसे तुम नहीं समझ पाओगी कौशल्या, क्योंकि तुम बहरी हो कौशल्या, जो अपने बेटे की दिल की धड़कन नहीं सुन सकती। तुम अंधी हो जो उन दोनों के बीच का प्यार नहीं देख सकती, और बहुत जल्दी गूंगी भी हो जाओगी जब अपने बेटे की बर्बादी देखोगी। जिसे तुमने ठुकराया है उसी लक्ष्मी की सौगंध खाकर कहती हूं, आज से 7 दिन के अंदर मैंने अपनी बेटी का ब्याह तुमसे ऊंचे घराने में ना कराया तो 8वें दिन बिना पूछे मेरा मातम मनाने आ जाना। आई तो थी तुझे दुआएं देने कि तेरे घर चांद सा बेटा हो, पर अब तो यही दुआ निकलती है कि तेरा घर भी चांदनी से आबाद हो, तेरे घर भी बेटी हो। सुना है काकी माँ ने तुम्हारी शादी एक बहुत बड़े खानदान में तय कर दी है, अपने पति का नाम जानती हो? देवदास। इतना सब कुछ होने के बाद क्या देव तुमसे शादी करेगा? पूछ के बता दूंगी। काकी माँ ने पूछा वो क्या कम था जो अब तुम पूछोगी? कितना अपमान हुआ उनका वहां पर। पर माँ का अपमान देव ने तो नहीं किया ना। तो क्या तुम जाकर देवदास से सिंदूर मांगोगी? लाज नहीं आएगी पारो? जो चीज अपनी हो उसे मांगने में लज्जा कैसी? तुम तो झूठ मूठ का सिंदूर लगाते हो मनु दीदी, पति किसे कहते हैं ये तुम्हें पता ही नहीं। Oh,
कौन? मैं। ठीक तो हो ना? इतनी रात गए अंधेरे में, तुम्हें डर नहीं लगा? ना, आज मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। बदनामी से भी नहीं? नहीं, जिस वक्त तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ होती हूँ तो बदनामी का भी नहीं। तो तुम इस वक्त यहाँ पर क्यों आई हो? नदी सागर से मिलने क्यों जाती है? सूरजमुखी हमेशा सूरज की तरफ ही क्यों देखता है? और ये पारो, अपना स्वाभिमान, अपनी कुल की मान मर्यादा, सब कुछ छोड़कर रात के इस वक्त अपनी देव के चरणों में जगह मांगने क्यों आती है? इन सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है देव। जवाब तो एक है पारो, पर सवाल बहुत सारे हैं। कोई सवाल नहीं जब तक हम दोनों साथ हैं। पर यही तो वो लोग नहीं चाहते। तुम क्या चाहते? तुम्हारी खुशी। पर पारो, बाबूजी इस रिश्ते को हमारी नजरों से नहीं देखेंगे। हम उन्हें मना लेंगे। अगर वो नहीं माने तो? जहां प्यार होता है वहां परवाह नहीं होती देव। जहां आग होती है वहां पर धुआं तो उठता है ना पारो? और मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवारों के बीच में लगे इस आग के धुएं में हम दोनों खो जाएं। खोना तो हर हाल में है देव, या तुम्हारे साथ या तुम्हारे बगैर। चलो तुम्हें घर पहुंचा दो। साथ चलोगे? बदनामी से डर नहीं लगेगा? कारे जाने पर तो कुत्ता भी उस चौखट पर वापस नहीं आता। जब दिन के उजाले में बात न बनी तो रात का सहारा लिया तूने। खुलेआम कोठा क्यों नहीं खोल लेते तुम मां बेटी? ऐसा मशवरा तो बाजार में खड़े होने वाला तल्ला भी अपनी बेटी को नहीं देता बाबूजी। देव! पारो, मैंने तुझे दिए के साथ साथ देवदास के लिए जलते हुए देखा है। पारो, तेरी चाहत की इतनी कीमत है मेरी नजर में कि अगर पूछ कर गई होती देवदास के पास तो एक रात के लिए तेरे वैश्या बनने पर भी मुझे एतराज ना होता। मां, मैं तो बस पूछने गई थी। और जवाब क्या आया पारो, बता। तू अकेली तो नहीं गई थी पारो? हमारे घर की आबरू को अपने सीने से लगाकर गई थी तू। खुद तो वापस आ गई और उसे वही छोड़ आई। अब जाने भी दीजिए ना बाबूजी, छोटी सी बात का इतना बड़ा तमाशा क्या बनाना। वैसे पारो की इस शॉल का क्या करें? कह दो इसे जाकर लौटा आए, ये रिश्ता नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं करूंगा। डोंट फॉरगेट योरसेल्फ देव। तुम भूल रहे हो तुम किसके साथ बात कर रहे हो। एक सर फेरे जमींदार से जो दूसरों के घर की बेटी को कोठे पर बिठाने की बात करता है। शरीफ घराने की लड़कियां रात के 2 बजे पड़ोसी के लड़के के कमरे से नहीं निकलती देव। कितना मजबूर होगा उसका प्यार, और उसे मजबूर आप लोगों ने किया। बस, मैं तुम्हारी कोई बहस नहीं सुनना चाहता। मैं भी आपसे बात नहीं करना चाहता। फाइन, फैसला हो चुका है। केस इज डिसमिस्ड। आई ऑब्जेक्ट। डोंट यू रियलाइज हमारा कुल उनसे कई गुना ऊंचा है। आई ऑब्जेक्ट। फिर भी खाते तो आप रोटी है ना? हमारा मान मर्तबा ओहदा इतना है, आवर फैमिली स्टेटस, अंग्रेजी सरकार तक हमारी खबर पहुंचती है। आई ऑब्जेक्ट। क्योंकि चलते तो आप जमीन पर ही है ना? आसमान में उड़ते पंछी
और पानी में तैरती मछली के बीच में कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। आसमान में बसे भगवान और जमीन पर बसे इंसान के बीच में रिश्ता तो देखा है ना। I said, I object. रुक जाओ देव, देव रुक जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बाबूजी के साथ बात करूंगा, पर तुम हवेली छोड़कर मत जाओ। नहीं भैया, क्या बचपना लगा रखा है देव, बाबूजी की छोटी सी बात। तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए नहीं। सास से पूछ कर लेनी पड़े, नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। बेटा मेरी बात तो सुनो, देव काकी मां, हटिया मेरी बात तो सुनो। देव, देव रुको तो सही, मेरी बात सुनो, बस रोको उसे कुमुद। देव मेरी बात सुनो, रुक जाओ देव, तुम कहीं नहीं जाओगे। छोटी माल के बाबूजी से बात कर रही है, सब ठीक हो जाएगा। देव नहीं धर्मदा, इस तूफान का गुजर जाना ही अच्छा है, अगर थम गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हट जाइए, मेरी बात सुनो देव, छोटी माल के। देव जा रहा है पारो, तेरे साथ साथ आज उसके भी इम्तिहान की घड़ी है। आज ये भी देख ले, उसे प्यार की परवाह है या परिवार की, वो तुझे अपने साथ लेकर जाता है या छोड़कर चला जाता है। और अगर नहीं लेकर जाता तो आज के बाद वही होगा जो तेरी माँ की मर्जी होगी। मेरी बात सुनो देवा, देवा मैं तुम्हें नहीं जानूंगा, रुक जाओ देवा, देवा रुक जाओ, हट जाओ धर्मदा। पारो, उस रात जैसे सोचने की शक्ति ही खत्म हो गई थी, जैसे तराजू की टोच पर खड़ा था मैं। तुम्हें खुश देखना चाहता हूं तो बाबूजी को दुखी करता हूं, और ये तो तुम भी नहीं चाहोगी ना पारो। नदी सागर से मिलने क्यों चाहती है? सूरजमुखी हमेशा सूरज की तरफ ही क्यों देखता है? इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के बदले क्यों ना हम इस प्रश्न को ही खत्म कर दें, यही सोच लें कि हमारे बीच प्यार कभी था ही नहीं। हमारे बीच जो कुछ हुआ वो एक लड़कपन था। आज से तुम मेरे लिए वही पड़ोसी की लड़की हो और मैं तुम्हारा दोस्त देव। ऐ पारो, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा, तेरे ससुराल वाले आए हैं। कर चल दिए पिया, क्यों बुझा दिया क्यों? देव, अरे बंधु सोया नहीं? अरे क्या आपको हमारा घर पराया लगता है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है चुन्नी बाबू, बस यूं ही नींद नहीं आई। ओ ये लो नींद। आप जानते हैं मैं शराब नहीं पीता। अरे तो बात क्या है, जहां खर से खुश होकर जीना चाहिए वहां खर से इतने खामोश बैठे हो। अरे खर से इतने खोए खोए हो कि पता ही नहीं चलता कि आप घर पे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। माँ बाप से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं। तो क्या गुस्ताख दिल की सजा भुगत रहे हो? वही तो, वही तो, दस दिल होता है दस दर्द होता है, इन दोनों का रिश्ता बहुत करीबी होता है बंधु, बहुत करीबी। आपको कोई दुख नहीं? ये तो हंसता हुआ चेहरा है जो लोगों को नजर आता है। आप तो जानते ही हो परिवार में है कौन? सिर्फ मैं और मेरी दौलत। इसलिए तो संगीत को गोद ले रखा है, ठुमरी को बेटी और दादरा को बेटा बना रखा है। दादरा द ये दा बड़ा पेचीदा है बंधु, दस दिल भी होता है दस दर्द भी होता है, दस दुनिया भी दस दौलत भी दस दस्तूर भी दस दौसक भी दस दुआ भी दस दये भी दस दोस्त भी दस दीवाना भी। अब दस ये दीवानापन छोड़ो दोस्त और चलो दस कहीं दूर चलते हैं, यहां दस मेरा तम खोटा जा रहा है। चुन्नी बाबू कहाँ चलोगे? जहां जाना चाहो, जहां रोज रात आप जाते वहां चलो।
चम 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 चम। भाई जी, देखो हम किसे लाए हैं आपके महफिल में। किसे लाए हो अपने साथ? हमारे मित्र हैं, लंदन में साथ पढ़ते थे। अरे कहाँ खो गए देव बाबू, आओ ना, ये भी तो हमारी एक महफिल है। आओ बंधु, अरे आओ। चंद्रमुखी, आपके घर का आईना हमारी सूरत ना देख सका, नुकसान हो गया आपका। हर दुख आने वाले सुख की चिट्ठी होती है देव बाबू, और हर नुकसान होने वाले फायदे का इशारा। वाह चंद्रमुखी वाह, आज तो आपकी बातें भी अंगड़ाइयां ले रही है। वाह वाह वाह, ये काजल का टीका भी लगा लीजिए आपा, कहीं अजनबी की नजर ना लग जाए। बड़ी हंसी आ रही है आपको? हाँ हाँ, जब बाजार में बैठने वाली औरत नजर ना लगे इसलिए काजल का टीका लगाती है, जबकि वो चाहती है कि सबकी नजर उस पर टिकी रहे। यूं नजर की बात की और दिल चुरा गए। हम तो समझे थे पुत, आप तो धड़कन सुना गए। देखा दे बाबू, हमने कहा था ना कि जैसे चंद्रमुखी है जैसे चमत्कार भी। जैसे चुन्नी बाबू भी तो होते हैं। जैसे चमत्कार जैसे चंद्रमुखी, देखा बना गई ना वो जैसे क्या कहते हैं, जैसे जैसे। चल मत वारी सरक 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 सरक
मटकी भरी मटकी ददकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच आहट सुन आहट सुन आहट सुन जियरा गयो धड़क 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 बैठो बंधु, अभी अभी तो जैसे जवान हुई है महफिल और आप जैसे जाना चाहते हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है चुन्नी बाबू, मुझे पारो को वो चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। मैं पारो के पास जाना चाहता हूं। अरे कौन पसे पारो? अरे रुको रुको, हम अभी आते हैं पसे पान खा के। यूं महफिल से उठकर जाना बेअदबी होती है, और यूं महफिल में मर्दों के सामने नाचना बेशर्मी। तुम औरत हो चंद्रमुखी, पहचानो अपने आप को। औरत माँ होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, दोस्त होती है, और जब वो कुछ नहीं होती तो तवायफ होती है। तुम कुछ और बन सकती हो चंद्रमुखी। हमारे बीच गुजरे वक्त की कीमत ले लो। अरे अरे बंधु, अरे अरे देखा, हमने रसा रोकने को कहा, वो तो रसे रवाना हो गए। कहाँ खो गए हो? कितनी बेकरारी है उन आंखों में। कहीं उनकी आंखों की बेकरारी ने तुम्हारा करार तो नहीं लूट लिया? क्या तवायफ को दिल नहीं होता? क्या उसे मोहब्बत करने का अधिकार नहीं होता चुन्नी बाबू? बेशक होता है, जहां दस दिल होता है वहां दस दिल भर भी तो होता है। तो एक एहसान करोगे हम पर? कहो। सिर्फ एक बार उन्हें फिर से यहां ले आओगे? वादा तो नहीं करता, मगर कोशिश करूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। देख तो मनोरमा, आज तो जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो पारो के रूप में। आज अगर देवदास यहां होता तो देखता उसने क्या खोया है। बड़े अच्छे भाग पाए हमारी पारो ने, ऐसी रोशनी वाली बारात चली है मानिकपुर से। आपने कब देखी काकी माँ? आप नहीं जानती, हमारे यहाँ दुल्हन की माँ बारात नहीं देखती। हाँ देख तो कहते, माँ की नजर लग जाती है। और जानती हो मनोरमा, आज के बाद पारो को कोई पारो नहीं कहेगा, सिर्फ पार्वती। काकी माँ, पारो है। बारात आने वाली है, मिल लो। चलो मनोरमा। मैं आ गया हूं पर। क्यों? मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया। जब बारात चौखट तक आई तब? ना ना पारो, अभी भी वक्त है।
मैं जैसे भी होगा अपने माता पिता को मना लूंगा। मैं कह दूंगा तुम्हारे माता पिता है तो मेरे नहीं, तुम्हारे परिवार की इज्जत है तो हमारी नहीं, तुम्हारे माता पिता जमींदार तो मेरे कुछ भी नहीं। चाहे जितने भी नीच कुल के लोग हो हम बेटी बेचने वाले, पर कभी किसी को धोखा नहीं देते। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है पर। फिर क्यों छोड़कर गए थे तुम और वो चिट्ठी? पर तुम तो जानती हो कि तुम्हारा देव कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करता। वो मेरी ना समझी थी। ना समझी? ऐसी कैसी ना समझी तुम्हारी देव कि जब जहां अगर कंगन पहना गए, जब जहां चिट्ठी लिखती कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं, ना समझी? और जब जहां अगर खड़े हो गए तुम पारों में हमेशा। बारात आ गई है तेरी। हमारे जाने का वक्त आ चुका है। मैं इस शादी को नहीं मानता। क्या फर्क पड़ता है जब मैं मानती हूँ? अगर ऐसा है तो मैं सबके सामने जाकर कह दूंगा कि तुम रात के 2 बजे तुम्हारे कमरे में तुमसे अकेले मिलने आई थी। बदनामी फैलाना चाहती हो? मैं फैलाऊंगा बदनामी? मैं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? पर अगर फिर से तुमने ऐसा कहा क्या करोगे? मारोगे मुझे? बचपन से लेकर आज तक अपना अधिकार समझते आए हो मुझ पर जब मैंने अपना अधिकार मांगा तो मुंह फेर लिया। इतना गुरूर अच्छा नहीं। क्यों ना करूं गुरूर? तुम्हारे पास है ही क्या देव? सिर्फ रूप और दौलत? मेरे पास गुण भी है, रूप भी है और आज के बाद दौलत भी। आज से तुम्हारी हमारी बराबरी होगी देव। अगर लोग तुम्हें जमींदार कहेंगे तो मैं भी ठकुराइन सुनकर इतराऊंगी। इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं। कैसे करता वो गुरूर? उस चांद पर दाग जो है। ये तुमने क्या किया देव? उस चांद की तरह तुम्हारे चेहरे पर भी दाग लगा दिया। ये हमारे प्यार की निशानी है पर। दिल ने है पूजा पूजा पूजा।
छोड़ दो उसे, अपने आप ही आग बुझ जाएगी। लेकिन ये तो सब बना के। कौशल्या, मत सबको खेल दिखाता है कौशल्या। मेरी बेटी तो चांदी के रुपयों पर चलकर गई, पर देख तेरा बेटा तेरे अहम की चिता जला रहा है। हर नौटंकी के दो अंक होते हैं कौशल्या। पहले अंक में मैं और मेरी बेटी नाचे थे और अब दूसरे अंक में तू और तेरा बेटा नाचेंगे। के क्यों बैठी हो नई बहू? वो रात को दुल्हा दुल्हन अलग कमरे में सोए थे ना, इसलिए। लेकिन अब तो रिवाज की वो काल रात्रि खत्म हो गई है, आज से दुल्हा और दुल्हन एक ही कमरे में सोएंगे। क्यों नई बहू को परेशान कर रहे हो तुम सब? बैठो 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 पार्वती,
जानती हो, वैसे तो इस हवेली में सब कुछ था, बस एक चांद की कमी थी, वो तुमने पूरी कर दी। आज से तुम इस हवेली की ठकुराइन भी हो और इन बच्चों की माँ भी। पहली पत्नी से भुवन के 3 बच्चे हैं। ये तुम्हारा बड़ा बेटा है महेंद्र। प्रणाम छोटी माँ। और ये है हमारी छोटी सी कलिका। प्रणाम छोटी माँ। और इन दोनों से बड़ी है यशोमती। न जाने क्यों हम सब उठ कर बैठी है, अब उसे मनाना तुम्हारा काम है और तुम सब मिलकर आज हमारी पार्वती को खूब सजाना। आज उनकी सुहागरात्रि जो है। हवेली से पहचान हो गई आपकी? जी। हम इतना वादा करते हैं पार्वती कि आपको इस हवेली में किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी, सिवाय एक, यहां वक्त जल्दी नहीं कटता। वक्त तो बहुत जल्दी कटता है यहां। हम समझे नहीं। देखिए ना, थोड़ी देर पहले हम इस हवेली की नई बहू थे और थोड़ी देर बाद छोटी माँ। नई बहू से छोटी माँ का सफर हमने चंद घड़ियों में ही पार कर लिया। एक बात बताना चाहते हैं, हमने शादी की क्योंकि माँ चाहती थी, हमारे बच्चों को माँ की जरूरत थी और इस हवेली को ठकुराइन की। और आपको? ये सुभद्रा है, हमारी पहली पत्नी। बेशक आज से आप ठकुराइन हैं, हमारी बच्चों की मां हैं, नई बहू हैं, लेकिन हम सुभद्रा को कभी नहीं भूल सकते। रिवाज के अनुसार भले ही खत्म हो गई हो, पर यह काल रात्रि हमेशा हमारे बीच रहेगी। आप इसे जो भी समझें, हमारी गलती या हमारा गुनाह, हमें माफ कर देना पार्वती। गुड मॉर्निंग बंधु। गुड मॉर्निंग। क्या नसीब है बंधु, वाह। हमें बेहोश होने के लिए शराब का सहारा चाहिए और एक आप हैं जो शराब को छूते भी नहीं फिर भी बेहोश। आपने हमें बताया नहीं, पर से पराया कर दिया। अरे बंधु, पर से प्यार होता है, पर से पारो भी। आपकी बेहोशी ने आपके सारे राज खोल दिए, सारे। मुझे यहाँ कौन लाया चुन्नी बाबू? बड़ा बेईमान। बड़े अफसोस की बात है, एक तवायफ मुझे रास्ते से उठाकर यहाँ पर ले आई। बड़ा एहसान फरामोश है चुन्नी बाबू, हमने इसे प्यार किया और इसने हम ही पर वार कर दिया। अरे वही तो, उस बेचारी ने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की, बीमार हालत में तुम्हें सड़क से उठाकर यहाँ ले आई। आज 2 दिन के बाद तुम्हें होश आया है, मगर वो नहीं सोई, तुम्हारी सेवा करती रही और तुम्हारे मुंह से पारो पारो सुनती रही। जहां से एहसान होना चाहिए वहां से अपमान हो रहा है। अब जाने भी दीजिए, ये तो जमींदारों की खासियत है, इनकी छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते। कई तो इस तरह थे जिस तरह फिर कभी ना मिलोगे, मगर किस्मत थी जो मिल ही गए। ये आपकी दवाई, इसे आपको अभी लेनी है। नहीं चाहिए तुम्हारी दवा, अच्छा होता मैं वहीं पड़ा रहता। तो ठीक है, आप फिर से बेहोश हो जाइए, हम फिर आपको वहीं छोड़ाते हैं जहां से उठा लाए थे। क्यों चुन्नी बाबू? ये क्या है? चुन्नी बाबू ने बताया तुम 2 रात यहां पर थी, तुम्हारे कोठे पर क्षमा नहीं चली होगी। ये उन 2 रातों की कीमत है जो तुमने हमारे लिए खर्च की। अब समझे हम कि पारो ने आपको छोड़ा तो क्यों छोड़ा। इश्क तो दूर की बात, आप तो हमदर्दी के लायक भी नहीं हैं। सुना चुन्नी बाबू, एक तवायफ इश्क की बात कर रही है, अब हमें इनसे सीखना होगा कि प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, इश्क किसे कहते हैं। प्यार आत्मा की परछाई है, इश्क ईश्वर की इबादत और मोहब्बत जिंदगी का मकसद। मगर अफसोस की बात है चुन्नी बाबू कि आपके दोस्त के पास तो कुछ भी नहीं है, ना आत्मा, ना इबादत, ना मकसद।
और ये जो बार बार आप हाथों में रुपए पकड़ते हैं ना देव बाबू, कोठों पर ये तवायफों के तलवों में होते हैं। अगर इतना ही घमंड है अपने आप पर तो हमें वही लौटा दीजिए जो हमने आप पर खर्च किए हैं। दो रातें, हमारी दो रातें उधार रही आप पर देव बाबू। जब तक आप नहीं आएंगे महफिल नहीं सजेगी। इन आंखों को आपका इंतजार रहेगा। वो आई थी 10 से दोस्ती करने और आप 10 से दुश्मनी कर बैठे। अब 10 से दो रातों का कर्ज है आप पर बंधु। रसियां बड़ा बेईमान। साज ने सुर तो छेड़ दिया आपा, अब सर से चुनर सरक जाए तो महफिल में जान आएगी। महफिल बेताब हो रही है चंद्रमुखी। नहीं आपा, जब तक देव बाबू नहीं आते ये महफिल नहीं सजेगी। असली सोने के हैं, खास लखनऊ से बनवाए हैं, साथ में सोने की एक नथ भी है। वो घुंघरू हम आपको पहनाना चाहते हैं चंद्रमुखी, नथ आप पहन लेना, उतार हम देंगे। अपने हौसले को इतना बुलंद भी मत कीजिए काली बाबू। जो शमा महफिल सजाती है करीब जाने पर वो जला भी सकती है। अगर दोबारा ऐसी गुस्ताखी की तो ऐसी एक नथ हम आपको पहना देंगे जिसे हम नहीं ये महफिल उतारेगी। वाह, यही अदाएं तो खींच लाती है हमें आपकी महफिल में, वरना इस बाजार में हुस्नो जाना और भी हैं। लेकिन जिसका इंतजार आपका दिल कर रहा है उसे ना तो आप में दिलचस्पी है ना ही आपके गाने में। वो तो किसी पारो का परवाना था जो उस दिन भूले भटके पारो पारो पुकारता हुआ इस शमा पर चला आया था। वो कभी नहीं आएगा चंद्रमुखी। वो आएंगे काली बाबू, और आप देखोगे ये हमारे दिल का दावा है। क्यों ना दावे को शर्त में बदल दिया जाए। अगर इस शमा के बुझने से पहले वो नहीं आया तो ये घुंघरू अपने पैरों में बांधकर आप जब भी नाचोगी वो महफिल हमारी होगी। मंजूर है। और अगर वो आ गए तो इस महफिल से जाते वक्त ये घुंघरू आपके पैरों में होंगे। मंजूर है।
अभी अभी पीनी शुरू की है, क्यों पीते हो इतना कि बर्दाश्त ही न कर पाओ? कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहां पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें, बेहोश हो सकें, पारों को भुला सकें। लेकिन चंद्रमुखी एक पारो की याद है जो हमें होश भी नहीं खोने देती। क्यों क्यों इतना पीने के बाद भी उसकी याद हमें सताती है दिन रात? क्यों 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 इतना ना समझ हो जाता है इंसान? क्यों गलती कर बैठता? क्यों एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिलती है? क्यों कि जिंदगी के रास्ते अलग हो जाए, एक चला जाए शादी के रास्ते पर, मार डाला। कितना इतरा रहा है मूर्ख, तालाब के कमल को छोड़कर कागज के फूल पर मन रहा है। गिर गए। मत हाथ लगाओ मुझ को, नफरत करता हूं मैं तुमसे, नहीं देख सकता औरत का ये रूप। जा, 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 जा,
आज के बाद मैं इस चौखट पर कभी नहीं आऊंगा। हाँ, जब भी पारो की याद आएगी मैं आऊंगा, जब भी खुद को दोषी पाऊंगा मैं आऊंगा। और कहाँ जाऊंगा? यही सजा मुकरर की हमने अपने आप के लिए। क्यों देते हो अपने आप को ये सजा? क्योंकि रोज बैठी है इस दिल में जज्बात के अटल। मैं मिलन, 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 रोज होती है इस मोहब्बत के केस की सुनवाई। हाय हाय ऑब्जेक्ट, और रोज यही फैसला सुनाया जाता है। Son of Narayan Mukherjee, I object, objection overrule. Urf Devdas Mukherjee, I object, objection overrule. Tum doshi ho, you are guilty and you drink till death. Yes, my lord. No objection, my lord. No. 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 अब तो हवेली के सारे कामकाज हमारी पार्वती की मर्जी से ही होते हैं। नई बहू के आने से मेरी तो सारी चिंताएं दूर हो गई है। सब धन पार्वती के रूप में इस हवेली की खोई खुशियां लौट आई है। इनसे मिलो, यह है यशोमती की सासू माँ और ये पार्वती। नमस्ते। आप भुवन चौधरी की पत्नी कम और बेटी ज्यादा लगती हैं। उनकी हम जो भी लगती हो, पर आपकी तो समधन लगती है। वैसे हमारा रिश्ता गले मिलने का है, पर आप उम्र में हमसे इतनी बड़ी हैं, इसलिए भाई एक बात तो देखी हमने, आप माणिकपुर वाले अपनी बहुओं को बेटियों से ज्यादा सजाते हैं, है ना बड़ी माँ? और बेटी देते वक्त उम्मीद भी यही रखते हैं कि उनके ससुराल वाले भी उन्हें अच्छी तरह से रखेंगे, पर निराश होते हैं, है ना बड़ी माँ? यशोमती, बहुत ख्वाहिश थी तुमसे मिलने की। अपनों से कोई इस तरह रूठता है भला? वैसे उम्र में हम दोनों एक ही होंगे, बस रिश्ता तुम्हें तय करना है। हम क्या हैं, माँ बेटी या सहेली? माँ, माँ ये क्या, ये सब तोहफा अपनी माँ की तरफ से, तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। पार्वती, वहां बेटी से ही बातें करती रहोगी, यहां हमारे पास नहीं आओगी? उस हुक्के की गुड़गुड़ हमें पसंद नहीं। हुक्का जमींदारों की शान है पार्वती, हम नहीं मानते। जो धुएं के साथ उड़ जाए वो शान किस काम की? वाह सासुमा वाह, दिल खुश हो गया आपकी बात सुनकर। बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की, हमारी शादी में तो आप थी नहीं और आपकी शादी में हम पाए लागू। बड़ा अच्छा लगा आपके पैर छूकर, हमारी इच्छा पूरी हो गई। काश आपकी शादी में हम भी होते जमाई बाबू, तो आपके कान खींचने की इच्छा हम भी पूरी कर लेते। क्यों, बड़ा अच्छा लगा आपके कान खींचकर। आपसे ये पहली मुलाकात जिंदगी भर याद रहेगी सासू माँ, और ये रिश्ता भी याद रहे। बड़ी हवेली में इतनी भीड़ क्यों है? सब ठीक तो है ना? नारायण मुखर्जी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और आप यहाँ हो, हमें तो वहां होना चाहिए ना? मन नहीं माना पारो,
तू बता, तू जाएगी उस इंसान को देखने जिसने तुझे और तेरी माँ को कोठे पर बिठाने की बात की थी? अहम में आकर इंसान कभी कभी गलती कर बैठता है, पर इससे रिश्ते तो नहीं टूट जाते ना। मैं वहां होकर आती हूं। सारा गांव, रिश्तेदार सब आ गए, मगर कितने दुख की बात है कि उनके चहीते बेटे देवदास का कहीं अता पता नहीं है ना माँ। लो, जिनका कोई रिश्ता नहीं था वो भी आ गए। देखिए तो बाबूजी, आपसे मिलने कौन आया है? देवदास? नहीं मालिक, अपनी पारो आई है। ना, ना बाबूजी, बचपन में जब देव खो जाता था तब हम तुम्हें पूछते थे पारो, देव कहाँ है? आज वो अधिकार भी हम खो चुके हैं, है ना सुमित्रा? रात भर पूछते रहे देव कहाँ है, देव कहाँ है? अब कहाँ से ढूंढूं मैं उस तूफान को? देव बाबू, क्या हुआ? देव बाबू, ऐसे भी क्या बेरुखी है देव बाबू कि हम आपको छू भी नहीं सकते? अगर यही बात थी तो क्यों आए हमारी जिंदगी में? हम भी खुश थे अपनी तन्हाई में, क्यों मसीहा बनकर हमारे दर्द को और बढ़ा रहे हो? क्यों चंद्रमुखी? देखा, चली गई ना खांसी। अगर ध्यान बदल दो तो गहरे से गहरा जख्म भी भर सकता है देव बाबू। वही तो कर रहे हैं हम। बस भी करो, बहुत पी चुके। यही कह दिया होता, बहुत जी चुके। कैसे कह दूं? तुम्हारे पास तो पारो है, पारो की यादें हैं। मेरे पास तो सिर्फ तुम हो, पारस मणि, जिसे छू के लोहा भी सोना बन जाता है। अपनी कीमत बढ़ा रही हो या मेरी? रिश्तों की दुनिया में तवायफ की कीमत ही क्या होती है? कुछ भी नहीं। और वैसे भी आपने तो हमें छूने का अधिकार ही नहीं दिया। इश्क करती हो मुझसे? यही पूछ लिया होता। सांसें लेती हो चंद्रमुखी? सांसें लेती हो चंद्रमुखी? क्या पाओगी? ना मेरे पास घर है ना दिल। सिर्फ पाने का नाम ही तो प्यार नहीं है ना देव बाबू। प्यार का कारोबार तो बहुत बार किया है, मगर प्यार सिर्फ एक बार। चंद्रमुखी, इस भरे पैमाने में और शराब डालोगी तो क्या होगा? छलक कर जमीन पर आ गिरेगी। इसी तरह पारो के नाम से भरा पड़ा है ये पैमाना देवदास भी, और भरो की तो छलक जाएगा, खुद तो गिरेगा तुम्हें भी गिरा देगा। पर जमीन पर गिरी शराब को देखकर लोग तो यही कहेंगे ना कि पैमाने को छू कर निकली है। देवदास कहाँ है? उन्हें बुलाइए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। वो सो रहे हैं, इस वक्त नहीं मिल सकते। अरे कैसे नहीं मिल सकते? हम उन्हें लेने आए हैं, इस नरक में नहीं रहने देंगे हम उन्हें। धर्मदा, छोटे मालिक, किसने बताया यहाँ का पता तुम्हें? चुनी बाबू ने। तुम्हारे बाबूजी तो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते, फिर क्यों भेजा तुम्हें? और वैसे भी मुझे यूं देखेंगे तो बहुत दुख होगा उनको। सर नारायण मुखर्जी का सर और भी झुक जाए। सर जाओ जाओ धर्मदास, जाओ।
अरे मेरी बात तो सुनो देवा। तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया में अब नहीं रहे। बहुत बुरा हुआ, एकदम अचानक ही नहीं, कैसे ऐसे ऐसे भले आदमी थे, बार बार नहीं आते ऐसे आदमी ना। ही वॉज अ गुड मैन। चलो लेकिन बाबूजी को एक खिताब, एक खिताब और मिल ही गया नहीं। स्वर्गस्थ सर नारायण मुखर्जी, बहुत प्यार था हम, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ भाई, ये बहुत ही स्वर्गस्थ सर मुखर्जी बहुत भले आदमी। एक बात बताओ, देवदास क्या रोज पीता है? ये पूछे कब नहीं पीता, सुबह शराब, रात शराब, शराब खाता है, शराब पीता है। तो तुम उसे रोकते क्यों नहीं धर्मदास? अरे घर में रहे तब ना, मुश्किल ही से हवेली में आता है। अरे सारा दिन शहर में पड़ा रहता है, वो चितपुर की चंद्रमुखी के कोठे पर, ऊपर वाला कमरा मानो देवा का घर बन गया हो। देवदास तवाइफ के कोठे पर रहता है? तुका तुका। इन आंखों को बस यही देखना बाकी रह गया था। आपने देखा है चंद्रमुखी को? हाँ, देवा को जब लेने गया था तब देखा था उसे। कैसी है? वो कहते हैं ना, धोखा हमेशा सुंदरी होता है। वो ठहरी इस शहर की मशहूर तवाइफ, वो अपनी अदाओं से लूटती रहती है और देवा लुटाता रहता है। उस नरक से हमारे देवा को हमें बचाना होगा पारो। मैं तो उसे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम कहोगी ना तो तुम्हारी बात वो जरूर मानेगा। वो तुम्हें बहुत मानता, वो तुम्हारी बात नहीं टाल सकता। दीदी कुछ कहिए ना, तुम ही उसे रोक सकती हो पारो। धर्मदास, उसे शराब पीने से तुम ही उसे रोक सकती हो। धर्मदास अपने आप को संभालो, तो उसके पास जाओगी ना पारो? पारो, बदनामी फैला दूं क्या? उस वक्त बदनाम हो जाते तो शायद हमारा नाम ही खो जाता। तुम खुश तो हो ना पारो? अरे वहां की तो बात ही कुछ और है देव। बड़ा मकान, बड़ी जमींदारी, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। बड़ी बड़ी बातें। बहुत बड़ी हो गई हो तुम पारो। पक्की ठाकुराइन दिखती हो। बड़ा बड़ा सिंदूर, बड़ी बड़ी आंखें, उन बड़ी बड़ी आंखों में बड़े बड़े सपने, बड़ा बड़ा मकान, बड़ी जमींदारी और बड़े बड़े बाल बच्चे। पारो पारो पारो, ए मैं ये बड़ी बड़ी आंखें देख सकता हूं, पर उन आंखों में बड़े बड़े आंसू नहीं देख सकता। अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरे पास तुम्हारी कुछ चीजें जो मैं लौटाना चाहता हूं। फिर इस हवेली में आऊं ना? आओ पारो, आओ मेरे साथ आओ, इधर यहां खड़ी रहो, यहां देखो
तुम्हारी। ये देखो पारो, अपने आप से मिलो। याद आया? अरे तुम, अरे ओ देवा, क्या हुआ पारो? देवा वो मेरी पायल गुम गई है, तुम्हें मिली क्या? ना मुझे तो नहीं मिली, मैंने ही छुपा दी थी। और तुम्हें भी मालूम था कि मैंने ही छुपाई है, और क्यों? सारा दिन हवेली में छम छम छम, देवा ये देवा वो देवा देवा, और ये वो कलसी, और ये देखो ये हमारे प्यार और जुदाई की निशानी। तुम तो गांव छोड़कर रिश्ते नाते तोड़कर चली गई, पर मैं अभी भी इनसे बंधा हुआ हूँ। ये और तुम्हारी यादें मेरे दामन से। ये क्या है? चंद सिक्के, 3 रुपए, जिससे सिर्फ यादें खरीदी जा सकती है। ये तो मेरे हैं, तुम चोर चोर। अब इन्हें वापस भी लूंगा तो मैं सूद के साथ वापस लूंगा। पर कितना सूद लोगे? वही 2 टका। 2 टके के हिसाब से हो गया महीने का 6 साल का 72 और 13 साल पारो, 9 रुपए 36 पैसे। हिसाब के बड़े पक्के हो गए हो तुम। वक्त ने सिखा दिया पारो, छोड़ो कोई और बात करते हैं। ऐसा करते हैं, तुम पारो पंडित बन जाओ और देवदास के लिए एक रिश्ता ढूंढो। सुना है तुम्हारे मानिकपुर में लड़कियां बहुत अच्छी हैं। हाँ है तो, पर तुम्हें तो सुंदर चाहिए ना थी। अरे नहीं नहीं, सुंदर नहीं चाहिए, तुम्हारी जैसी चाहिए। और सुशील भी हो ना, थोड़ी सी तो दुष्ट होनी चाहिए जो बात बात पर मुझसे झगड़ा कर सके। कहा ना, तुम्हारी जैसी होनी चाहिए। ऐसी तो 1000 मिल सकती है। अरे बाबा 1000 नहीं चाहिए, तुम्हारी जैसी एक ही संभाल लूं काफी है। शराब पीना छोड़ दो देव। ना पारो। छोड़ दो देव। ना। कोशिश तो करो। ना। छोड़ सकते हो, वादा करो कि आज के बाद तुम शराब नहीं पियोगे। तुम वादा कर सकती हो कि तुम मुझे भुला दोगे? बहुत देर हो चुकी पारो। जब तक तू वादा नहीं करते मैं यहां से नहीं जाऊंगी। मैं नहीं कर सकता वादा। कर सकते हो, इंसान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। क्या आज रात को मेरा हाथ थाम के तुम मेरे साथ भाग सकती हो? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मेरा हाथ थाम के मेरे साथ भाग सकती? देखो यहाँ तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मेरा हाथ थाम सकती? बचपन से लेकर आज तक मेरा एक ही सपना रहा है कि तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारी सेवा करूं। वहाँ परवाह नहीं होती। मेरा वो सपना अधूरा है, उसे पूरा करने का एक मौका दो दे। मेरा हाथ थाम सकती? मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी देखभाल कर सकती हूं। पारो मुझे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती, मेरा दम घुट रहा है देव, मेरा दम घुट रहा है। ठीक है, अगर मेरी सेवा करने से तुम्हारे दिल को खुशी मिलती है तो ठीक, मैं वादा करता हूं मरने से पहले एक बार तुम्हारी चौखट पर जरूर आऊंगा। मुझे छूकर कसम खाओ। तुम्हारी माँ, अगर दान पुण्य इसी तरह से चलता रहा ना तो बहुत जल्दी हवेली की तिजोरी पे कौवे बैठने लगेंगे। तुम्हारी बात बिल्कुल सच है कुमुद, पर मैं माँ को कैसे रोक सकता हूँ? तुम एकदम बुकारे बाबा। तुम नहीं रोक सकते, लेकिन मैं तो रोक सकती हूँ। तुम रोकोगी, पर कैसे? तिजोरी की चाबियां तुम्हारे पास? माँ कब से ढूंढ रही थी, लाओ। मैं कुमोद, तिजोरी की चाबियां मैंने छुपाई हैं। अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम ये कहोगे कि चाबियां खो गई हैं। क्या? तिजोरी की चाबियां खो गई हैं। और तिजोरी में से सारी दौलत भी गायब हो गई है।
चाबियां और दौलत। अरे देवर जी, आप इतनी सुबह सुबह कचहरी में, और ये शराब, आपको इस हवेली की इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं? लोग क्या कहेंगे, माँ क्या सोचेंगी? चाबियां चुराते वक्त आपने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे? छोटी माँ क्या सोचेगी? पुरखों की दौलत है ये, इस तरह शराब में नहीं लुटाते देव। पुरखों की चाबियां हैं ये, इस तरह नहीं चुराते। एक बात मैं कह देती हूं, चाबियां तो मैं किसी हालत में किसी को नहीं दूंगी। चाबियां तो आप देंगी, आज ही, अभी, इसी कमरे में, माँ के हाथ में। इतनी कमजोर भी मत समझिए देवर जी, मैं भी ठाकुरों के खानदान की हूं, इससे बड़ी बड़ी तिजोरियां देखी हैं हमने अपनी हवेली में। पर इस हवेली का पागलपन कहां देखा आपने? देव, ये क्या कर रहे हो देव? भैया ये तो आप मानते हैं ये हमारे पुरखों की दौलत है। हाँ मानता हूं, और इस दौलत पर जितना हक आपका है उतना ही मेरा भी। हाँ हाँ, लेकिन ये शराब क्यों डाल रहे हो तुम? मैं अपने हिस्से की दौलत जला रहा हूं, तुम चाहो तो अपना हिस्सा बचा लो। देव, देव तुम्हें जो चाहिए मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। फिलहाल सिर्फ चाबियां। वो तो तुम्हें मिलने से रही। कुमो चाबियां दे दो इसे, वरना ये पूरी कचहरी जला देगा। करने दो इसे जो करना चाहता है, मैं ऐसी झूठी धमकियों से नहीं डरती। चाबियां दे दो, वो पागल हो गया है। तुम भी पागल हो रही हो, चाबियां दे दो। क्या हो गया सुमित, तुमने छोड़ क्यों, क्या हो गया रहा है घर में? छोटुआ, आप कब से तिजोरी की चाबियां ढूंढ रही थी ना, है ना? मैंने देवर जी के पास देखी, जब मैं मांगने गई तो लगे मुझे धमकाने, बोले चाबियां तो मैं नहीं दूंगा, बंटवारा कर दो वरना मैं हवेली को जला के राख कर दूंगा। फिर जब मैंने कहा कि देवर जी तुम्हें हिस्सा चाहिए ना, इस हवेली में तुम्हारा सिर्फ यही हिस्सा है देव। इस हवेली ने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, हम सब तुम्हारी बर्बादी में जिम्मेदार हैं। इसके पहले कि तुम्हें हम और बर्बाद करें, यह हवेली छोड़ दो देव, छोड़ दो। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। मां, इस हवेली के किसी हिस्से पर मेरा कोई हक नहीं, पर मैं तुम्हारा हिस्सा हूं और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। क्या मांग रही हो जानती हो बहू? दुर्गा की महापूजा, आसान बात नहीं है ये, सालों से ये प्रथा चली आ रही है। 16 आने पूजा करनी हो तो पूजा चाहने वाला खुद तवायफ के आंगन से मिट्टी लाता है और उसी मिट्टी को मिलाकर दुर्गा माँ की मूर्ति बनती है।
जानती हूँ। तो क्या तुम वहां जाओगी जहां दिन के उजाले में भी जाने से लोग बदनाम हो जाते हैं? क्यों बड़ी माँ, क्या वहां इंसान नहीं बसते? क्या वहां हवाएं नहीं चलती? क्या उन बदनाम गलियों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती? क्या कभी बादल वहां बरसने से इनकार करते हैं? जब कुदरत भेद नहीं मानती तो हम क्यों माने? पार्वती ठीक कह रही है माँ, और फिर सुभद्रा की भी तो यही इच्छा थी। तो ठीक है, जैसे हमारी पार्वती चाहे, पर ख्याल रहे दुर्गा माँ की पूजा है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम महेंद्र से अभी कह देते हैं, वो आपके जाने की सारी तैयारी कर देगा। देवदास तवायफ के कोठे पर रहता है। तुका, तुका। आपा, कोई औरत आई है आपको मिलने के लिए, देव बाबू के बारे में पूछ रही है। फिर तो जरूर पारो ही होगी। पारो, तुमने कैसे जाना कि हम पार्वती हैं? देव बाबू हमेशा कहते थे कि हमें ढूंढते हुए कोई औरत तुम्हारे चौखट पर आए तो बिना पूछे ही मान लेना कि वो पारो ही है। ये क्या कर रही हो? जिस औरत की जगह मैं कभी ना ले पाऊंगी उसके चरणों की धूल ले रही हूं। सुना था हमने यहां की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है, पर तुम्हारे पास इस खूबसूरती के साथ साथ दिखावा भी है। काश आप समझ सकती, हमारे पास दिल भी है। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी नाम है ना तुम्हारा? लोग तो देवदासी भी कहते हैं हमें। मशहूर हो? थी, अब नहीं। क्यों? मानो किसी फरिश्ते ने छू लिया, बैराग सीखना बाकी था सो सीख लिया। कितनी अजीब बात है, एक तवायफ जोगन बन गई। हाँ, अजीब बात तो है, एक ठकुराइन तवायफ की चौखट पर आ गई। देव कहाँ है? हम भी बेताब है उनकी आहट सुनने को। 6 महीने हो गए, इन आंखों ने उन्हें नहीं देखा। झूठ बोल रही हो तुम। इत्मीनान नहीं रख सकती तो तसल्ली कर लो। तुम क्या समझती हो, नहीं करेंगे? और कितने दिनों तक रखोगी तुम देव को यहां? जब तक रूप है, पैसा है, जवानी है, उसके बाद तुम्हारे इस जोगन के खेल का क्या होगा? बहुत कुछ लिया होगा तुमने देव से, हम और भी देंगे, पर इस नरक में देव को तड़पते हुए नहीं देख पाएंगे। कितनी अजीब बात है, जिस पारो के देव बाबू दीवाने बने फिरते हैं वही पारो आज उन्हें हमसे खरीदने आई है। क्या दे सकती हैं आप हमें? समाज में इज्जत दिला सकती हैं? देव बाबू की आंखों में हमारे लिए प्यार जगा सकती हैं? उन्हें एक बार छूने का अधिकार दिला सकती हैं? वो सपने, वो इंतजार, वो उम्मीदें जो देव बाबू ने हमारे दिल में जगाई हैं, क्या आप उन्हें पूरा कर सकती हैं? कर सकती हैं? नहीं, आप ये नहीं कर सकती पारो, और हम आपको देव बाबू नहीं दे सकते। पर हम उन्हें यहां से लेकर ही जाएंगे, आज हमें कोई नहीं रोक सकता, न तुम, न ये समाज, न देव खुद। एक बात मत भूलो, तवायफों की तकदीर में शौहर नहीं होते। तवायफों की तो तकदीर ही नहीं होती ठकुरायन। अपनी नजर से देखोगी तो कभी ना देख पाओगी, हमारी नजर से देखोगी तो चारों तरफ पाओगी उनको। देखो उस जलते हुए दिए की रोशनी में है देव बाबू, उस बिस्तर की सिलवटों में भी है, उस अधूरे पैमाने से आज भी छलक रही है देव बाबू की प्यास, आज भी महकता है कमरा उनकी खुशबू से। अगर ले जा सकती हो तो ले जाओ, ये रोशनी, ये सिलवटें, ये खुशबू सब।
सब तुम्हारा, बाकी हम नहीं लौटा सकते आपके देवदास को। बहुत चाहती हो देव को, मैं तो सिर्फ उनकी पूजा करती हूँ। तसल्ली हुई कि देव अब इस दुनिया में अकेले नहीं रहे। देखा, बातों बातों में जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। दुर्गा पूजा की इच्छा रखती हूँ, तुम्हारे आंगन की मिट्टी चाहती हूँ, इजाजत है? ये क्या? आई थी देव को लेने, पर आज तुम्हें सौंप कर जा रही हूं। पूजा में तुम्हारा इंतजार रहेगा, जरूर आना। बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए। सच हमें बहुत अच्छा लगा। कैसे नाते, तुमने जो न्योता दिया था मुझे तो आना ही पड़ा। कहो, देव से मुलाकात हुई? पार्वती, कौन आया है तुमसे मिलने? जी ये चंद्रमुखी है, हमारी सहेली, कलकत्ते से आई है। जीती रहो, इस हवेली को अपना घर ही समझना बेटी, और पार्वती इसे जल्दी जाने नहीं देना। हाँ माँ, अब तो इसे दुर्गा पूजा की बात ही जाने दूंगी। नहीं पारो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? बहुत दिनों से हमारे दिल ने भी किसी से बात नहीं की चंद्रमुखी। इस त्योहार के बहाने ही सही, क्यों ना हम भी अपने दुखों को भुला दें, झूम ले, साथ नाच ले, थोड़ा सा जी ले। नहीं, शायद हमारी खुशी देव तक पहुंचे। लेकिन पारो, मेरी बात तो सुनो। अब अगर ना कहो तो देव की कसम। काली बाबू चलिए, शतरंज की बाजी अधूरी है। असली शतरंज तो यहाँ पर बिछी है मुनीम जी। देखो, देवदास की चंद्रमुखी देवदास की पारो से मिलने आई है। पारो कौन? सासू माँ पार्वती। अब तो एक चाल चलूंगा और चारों खाने चित। एक पारो, एक चंद्रमुखी, एक भुवन चौधरी और एक देवदास। देवा, ए देवा, सुबह हो गई रे। हाँ धर्मदास, पर इस दिल में हमेशा के लिए राख हो गई। अब चले यहां से? हाँ धर्म, एक एक करके सारे रिश्ते तो खत्म हो गए। बाबू जी, हमारे बीच में प्यार तो कभी आया नहीं। ठीक है, अच्छा ठीक, हम उनके लिए तूफान और वो हमारे लिए अच्छा। सोना घूमो लो, पड़ा जुड़ो लो, लो देशे। माँ की लोरी में भी बड़े भैया का नाम पहले आता था। ठीक है, बड़े भैया और हमारी कभी बनी, बड़े भैया ठहरे हिसाब वाले, हिसाब। ठीक है, ठीक। एक एक भाभी के साथ मजाक का रिश्ता बनता था, पर उससे पहले हम खुद ही मजाक बन गए। ठीक है, एक बार उससे हम बहुत प्यार करते हैं, मालूम इतना। इतना ठीक है। परो पर वो भी पराए गांव की मिट्टी, पराए सब। एक है धर्मदा, एक चंद्रमुखी है जो हमें बेहद प्यार करती है, पर पंडित जी नमः। ओम मरीचये नमः। संभल के, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार
आप श्राद्ध की विधि जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। श्राद्ध करवाएंगे? अवश्य करवाएंगे, सिर्फ स्वर्गस्थ का नाम बताएं। देवदास मुखर्जी। अरे पागल हो गए हो देवा? पंडित जी देवदास खुद का श्राद्ध करवाओगे? श्राद्ध करवाइए ना पंडित जी। राम 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 वापस पंडित जी। हे देवा नारायण सुश्रेष्ठ लक्ष्मीकांत वर। हे बेटा हे देवा, ये क्या पागल पर लगा रखा है? वापस आ, वापस आ मेरे बच्चे। देवा अरे नेत्र पुणे राम, हाँ जोड़ता हूँ तेरे, वापस आ जा। अरे नेत्र पुणे राम
वाह बड़ी माँ वाह, ये जश्न भी क्या खूब रंग लाया है। एक ठकुराइन और एक तवायफ, दोनों को साथ साथ लाया है। वाह, ये आप क्या कह रहे हो जमाई बाबू? जो आप देख रहे हो बड़ी माँ, और जो सारा गांव देख रहा है, ये औरत जिसे ठकुराइन अपनी सहेली कहती है एक बाजारू औरत है। क्यों सासू माँ? ये हम क्या सुन रहे हैं पार्वती? चुप क्यों हो तुम, जवाब दो। शर्मिंदा हैं, इतिहास गवाह है, ठाकुरों के संबंध हुआ करते थे तवायफों की गलियों से, लेकिन अब तो ठकुरायन भी रखने लगे कोठों की सहेलियां। ताज्जुब की बात है, बिना छुए नत उतारना इसे कहते हैं चंद्रमुखी। तमाशा शुरू तुमने किया था, खत्म हमने कर दिया। नहीं काली बाबू, अगर आप कर सकते तमाशा तो तवायफों की जरूरत ही क्या थी। उस बाजार में एक कोठा आपका भी होता चंद्रमुखी। ये तो तुम भी जानते हो, सारा गांव भी जानता है कि तवायफ के कोठे पर रोशनी होती है तो ठाकुरों की वजह से, उनके घर में औलादे पैदा होती है तो भी तुम जैसे ठाकुरों की वजह से। आज चाहे तुम उन्हें बाजारू कहो, मगर उनकी रगों में खून तो ठाकुरों का ही है। साथ खड़े रहने से तवायफ ठकुराइन नहीं बन जाती। सच कहा आपने बड़ी माँ, बिल्कुल सच कहा। पर उसी तवायफ को सिर्फ एक औरत समझकर एक भली ठकुराइन ने दो प्यार के शब्द कह दिए तो क्या बुरा किया? क्यों शर्मिंदा हो इस बात पर? शर्मिंदा तो इन्हें होना चाहिए, क्योंकि उसी बदनाम मोहल्ले में ये भी जाते हैं जहां इनके पुरखों ने अपनी अय्याशी की निशानियां छोड़ी हैं। कभी सोचा है काली बाबू कि उन्हीं कोठों पर किसी तवायफ से तुम्हारी बहन पैदा हुई है? बहन ही क्यों, तुम तो अपनी बेटी के कोठे पर भी तवायफ के आंगन की मिट्टी मिलाकर ही दुर्गा की मूर्ति उभरती है, और ये मिट्टी इतनी कमजोर नहीं। तमाशा अब खत्म हुआ। चलते हैं ठकुराइन वापस उसी दुनिया में, शायद उस बदनाम मोहल्ले की रंगीन रोशनी में देव बाबू का चेहरा फिर से दिख जाए। चलते हैं। जाने से पहले आपसे माफी मांगना चाहते हैं। चंद्रमुखी की बात हमने सारे गांव के सामने कह दी, गलती हो गई, लेकिन दोबारा हमने ये गलती नहीं की। हमने आपकी और देवदास की दोस्ती की बात सिर्फ आपके पति और बड़ी मां से कह दी है। आपको कान खींचने की रस्म पसंद थी ना, हमें नाक काटने की। चलते हैं। उंगलियां पार्वती पर नहीं, हम पर उठेंगी। मैं तो कहती हूँ ये बात आज इसी वक्त इस कमरे में खत्म हो जानी चाहिए, बस। आपने हमें बुलाया? हाँ पार्वती, आज हम ये जानना चाहते हैं कि देवदास कौन है। देवदास हमारे बचपन का साथी है, जैसे वो शरीर और हम पर छाई, वो हमारा प्यार भी है और गुरूर भी, और वो हर पल हमारे साथ है। जानती हो तुम क्या कह रही हो पार्वती? वही जो उस रात आपने हमसे कहा था, बेशक आप इस हवेली की ठकुराइन हो पार्वती, हमारे बच्चों की माँ, पर हम सुभद्रा को कभी नहीं भुला सकते। सुभद्रा हमारी पत्नी थी। सुभद्रा आपका पहला प्यार था और देवदास हमारा, और पहला प्यार तो उम्र के फर्क की तरह होता है, जिसे चाहकर भी नहीं मिटा सकते। पार्वती तुम भूल रही हो कि तुम इस हवेली की ठकुराइन हो। हाँ, शायद इसीलिए आपकी नजर में हम गुनहगार हैं। आप जो भी सजा देना चाहे हमें मंजूर होगी। सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी पार्वती। कल तक लोग इस हवेली के बंद दरवाजों के बाहर अदब से सर झुकाते थे, पर आज वहीं खड़े होकर तमाशा देखते हैं। आज के बाद तुम इस हवेली की चौखट के बाहर कभी कदम नहीं रखोगी, यही है तुम्हारी सजा। सजा हम क्या देंगे पार्वती, सजा तो हम भुगत रहे हैं। गए थे पूजा का दिया जलाने भुवन, और घर जला बैठे, और जो दिया घर जलाने की बात करे उसे वहीं बुझा देना चाहिए।
मौसम अदरा, मौसम है खाना, मौसम मस्ती, मौसम मित्र। ना थे तुम तो वीराना था, अब जो आ गए हो तो जा मैं बाहर आ गया है। अब क्यों फिक्र करे हम अंजाम की यारो, आओ जाम से जाम टकराए यारो की बंदो। शीशे से शीशा टकराए, कैसे ओ देखो, ओ देखो 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 कैसे थिरक थिरक दिल, थिरक थिरक दिल, थिरक थिरक ता जाए रे, थिरक थिरक दिल, थिरक थिरक दिल, थिरक थिरक ता जाए रे। धमक धमक धम धमक धमक धम धमक धमक ता जाए रे, धमक धमक धम धमक धमक धम धमक धमक ता जाए रे। चनन चनन चन चनन 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 चन चनन चनन
शराब की एक बूंद भी उनके लिए जहर साबित हो सकती है। वक्त किसी भी घड़ी बेरहम हो सकता है। जितना हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। हे भगवान, हे भगवान। ये क्या धर्मदा, अगर आप रोके तो हमारी आंख भी भर आएगी। फिर लोग कहेंगे कि तवायफ होकर भी नाटक करना नहीं आता। हमें तो आपके देव बाबू को खुश रखना है ना। ये बाजी भी खत्म हो गई आपा। हम फिर जीत गए। दिखा। तेरे साथ तो खेलना ही बेकार है। इतने दिनों में पूरा कंगाल कर दिया है हमें। और थोड़े दिन खेले ना तेरे साथ तो ये कोठा बिकवा कर रहेगा। तू क्या खीखी करिए निगौड़ी, चल यहाँ से। तेरी दवाई का वक्त हो गया है, भिजवाती हूँ। जरा पैमाने में भिजवाइएगा वरना असर नहीं करेगी। शराब के बारे में सोचना भी आपके लिए जहर है। पारो से मिली थी। कैसी लगी तुम्हें हमारी पारो? इश्क अगर इंसान का रूप ले ले तो उसका दिल और चेहरा बिल्कुल पारो जैसा होगा। कहते हैं इंसान को अपनी दो आंखों की तुलना नहीं करनी चाहिए, पर हमसे यह गुस्ताखी हो ही जाती है। एक पारो, एक चंद्रमुखी, वो अभिमानी उद्दन, तुम कितनी निर्मल, कितनी सुशील। वो चंचल हिरनी सी, अल्लड़ नदी जैसी, कभी झूठी कभी तितली तो कभी चांद, और तुम कभी गजल तो कभी ठुमरी, कभी आंसू कभी शमा। सब उसी को चाहते हैं। और तुमसे कोई प्यार नहीं करता सिवाय मेरे। ये क्या चंद्रमुखी, मैं तुम्हें सहनशीलता की मूर्ति कह रहा हूं, तुम तो मोम की गुड़िया निकली। देखो कैसे पिघल रही हो। अगर ये शमा यूं ही पिघलती रही तो यहां पर ही अंधेरा छा जाएगा। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया चंद्रमुखी, बस एक उपकार और कर दो, मुझे यहां से जाने की इजाजत। तुम नहीं जानते तुम्हें क्या हुआ है। तुम जानती हो पर मैं भुगत रहा हूं। तो फिर खुद को खोने से पहले खुद से मिलना चाहता हूं। अगर साथ एक दासी चले तो मैं तुम्हारी आंखों में अपनी जिंदगी बुझते हुए नहीं देख सकता। आज हमने दोनों जहां पा ली, फिर कब मिलना होगा? पाप और पुण्य का फैसला करने वाले तुम्हारे बारे में क्या फैसला करेंगे, ये तो मैं नहीं जानता चंद्रमुखी, पर इतना कहता मरने के बाद अगर भेंट हुई तो तुमसे अलग ना रह पाऊंगा। देवा, ए देवा, ए देवा, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ?
तू ठीक तो है ना? तुम गए नहीं धर्म? नहीं, तुझे अकेला छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाला। डर रहे हो? मैं स्टेशन पे उतर के शराब पी लूंगा। एक बूंद शराब की पीना तो मर जाऊंगा। हाँ। अरे तेज बुखार था इसलिए तुझे छोड़कर कहीं नहीं गया मैं। बस ये सफर वफर अब मुझे नहीं करना। बहुत कह दिया तूने और बहुत सुन लिया मैंने। स्टेशन आ ही रहा है, दूसरी ट्रेन पकड़कर सीधे माँ को मिलने चलते। स्टेशन पे उतर के अपने कंपार्टमेंट में जाके सो जा धर्मदा। क्यों इतनी जिद कर रहा है तू? और जाने से पहले ये बत्तियां बुझा देना। हाँ बुझा दूंगा, और कल सुबह तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। जब देखो तब मनमानी। गुड नाइट धर्मदा। गुड नाइट। धर्मदा तुम फिर आ गए। चुन्नी बाबू। अरे बंधु केमन आछेन? अब मान गए कि जैसे दुनिया होती है और दुनिया गोल है, इसलिए तो हम बार बार मिलते हैं। बताओ बंधु, कहाँ थे, कैसे थे और कैसे हो? यही था। ठीक हूँ। और बस ये बताइए आप कैसे हैं? हमारा क्या है, बादल की सवारी ले ली है सो उड़ रहे हैं, घूम रहे हैं। मगर आपका चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लगता है, क्या बात है बंधु? अरे पल भर के लिए तो हम भी धोखा खा गए थे कि क्या ये हमारे वही देव बाबू हैं जो चितपुर में चांद की तरह चमके थे। ऐसी कोई बात नहीं है चुन्नी बाबू। अरे हो तो भी क्या, हम आ गए हैं रंग जमाने के लिए। बहुत दिनों बाद मिले, आओ जरा महफिल सजाते हैं। कोठा नहीं तो क्या कंपार्टमेंट ही सही, घुंघरू की आवाज नहीं तो क्या रेलगाड़ी की खटखट ही सही, चंद्रमुखी नहीं तो क्या उसके आशिक ही सही। चीयर्स। ये लो। नहीं चुन्नी बाबू, अब मैं शराब नहीं पीता। क्यों, किसी ने अपने सर की कसम दी है क्या? नहीं। अरे तो फिर ले लो, दोस्ती की कसम ही रख लो। इतने दिनों बाद मिले हो, क्यों ना इस घड़ी को रंगीन बना दें। फिर कल हम रहे ना रहे, मिले ना मिले, आप तो रहेंगे पर हमारा पता नहीं। अपने हिस्से की जिंदगी तो हम जी चुके चुन्नी बाबू, अब तो बस धड़कनों का लिहाज करते हैं। क्या कहें ये दुनिया वालों को जो आखिरी सांस पर भी एतराज करते हैं। वाह वाह, खूब मिष्टी दादा, ये तो शोर से शायरी होगी। दिल के छालों को कोई शायरी कहे तो परवाह नहीं। तकलीफ तो तब होती है जब कोई वाह 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 करता है। क्यों राजा, वाह क्यों बंधु, क्या बीमारी, इलाज कराया देव बाबू? देव बाबू हम लाइलाज हो गए चुन्नी बाबू। फिर तुमने शराब क्यों पी, तुम जानते थे फिर भी? दोस्ती की कसम रख ली ना चुन्नी को। दोस्ती? तुमने हमें फिर पराया समझा, फिर पराया समझा? पराया कहां समझा, मैं तो आपके सबसे करीब हूं, आपकी तरह बोलने भी सीख गया। जिंदगी की शुरुआत स से की, स से सुबह, स से स्वागत, स से सुकून, फिर स से समय ने ऐसी करवट बदली चुन्नी बाबू की, स से साथ छूट गया जिंदगी। अरे नहीं देव बाबू, नहीं देव बाबू, स से सूरज होता है, स से संगीत, स से सुर, स से साज, स से साथ, और हम तुम्हें अपना साथ नहीं छोड़ दे देंगे। स से समाप्ति तो होता है चुन्नी बाबू। नहीं खासे आप तो ऐसे खामोश हो गए जैसे खासे खत्म हो गए हम।
कसम है दर से दोस्ती, दर से दरमियां ऐसी दूरी रही तम खुट जाएगा। और आप तो जानते हैं चुन्नी बाबू की दर से हमें कितनी दूर। चुन्नी बाबू से प्यास कब पूछे, प्यास कब पूछे। छोटी माँ, छोटी माँ, क्या हुआ? छोटी माँ क्या हुआ? क्या हुआ छोटी माँ को? खून। अगर मेरी सेवा करने से तुम्हारे दिल को खुशी मिलती तो ठीक, मैं वादा करता मरने से पहले एक बार तुम्हारी चौखट पर जरूर आऊंगा। मुझे छूकर कसम खाओ। ए बाबू, अभी अभी तो बैठे हो तुम, क्या हो गया है तुम्हें? सारा दिन उस बारों के साथ गांव में आवारा था। अब एक पल के लिए भी इस हवेली में नहीं रहोगे तुम। गेट आउट। मेरी बात सुनो देवा, देवा मैं तुम्हें नहीं जाना दूंगा, रुक जाओ देवा। जरा तेज चला पाए, वक्त बहुत कम है। हाँ बाबूजी। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। लो बाबू, पहुंच गया माणिकपुर। सूरज उगने से पहले पहुंचा दिया आपको। हैं? बाबूजी? ए बाबूजी, बाबूजी माणिकपुर में किससे मिलना है? पारो। कौन? मैं आ गया हूं पारो। क्या हुआ पार्वती?
किसी ने हमें पुकारा है। इतनी रात गए तुम्हें कौन पुकारेगा, ये तुम्हारा वहम है, जाओ जाकर सो जाओ। पांडवा स्टेशन से लाया हूं, पता ही नहीं रात में अचानक इसे क्या हो गया था, मुझे बताया भी नहीं मणिपुर में कहां जाना है। अरे मंदिरा सुनो तो, बाहर इतनी भीड़ कैसी? क्या पता मालकिन, रात से कोई परदेशी पड़ा है वहां पर, शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। पिछले जन्म में यहाँ से कोई मिट्टी ले गया होगा, सो लौटाने आया है बेचारा। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। इस आदमी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है महेंद्र बाबू, ये तो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। क्या हुआ पार्वती? देखिए दरोगा जी, शायद इन चिट्ठियों से ही कुछ पता चले। तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा है पार्वती, तो पूजा में खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। तभी तो शरीर ही नहीं छोड़ता, दरोगा जी ने पहचान बताई है, कहते हैं कोई ताल सोनापुर का रहने वाला है। ताल सोनापुर, क्या नाम है? मैं तो नहीं जानती छोटी बहू, महेंद्र बाबू जानते हैं। फिर जाओ तो जरा महेंद्र को बुलाओ। जी अच्छा। मैंने कहा महेंद्र को बुलाओ। जी छोटी बहू। क्या बात है छोटी माँ, आपने हमें बुलाया? हाँ वो बाहर आदमी कौन पड़ा है? आपके ही गांव का कोई देवदास मुखर्जी। कौन? देवदास मुखर्जी। कैसे जाना तुमने? जैसे दो चिट्ठियां मिली, एक किसी द्विजदास की। हाँ उनके बड़े भाई का नाम है। और एक कोई कौशल्या की। हाँ उनकी माँ। हाथ पे नाम भी गुदा हुआ था। मेले में गुदवा था, बारिश आ गई थी, अधूरा होगा। टूटा हुआ मोती का खार भी मिला था। हाँ वो तो मुझे यहाँ। छोटी माँ कहाँ जा रहे हो? छोटी माँ अब तक उसे ले गए होंगे। महेंद्र छोटी माँ रुकिए, रुकिए छोटी माँ, रुकिए छोटी माँ, रुकिए रुकिए छोटी माँ, रुकिए छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ क्या हुआ? छोटी माँ क्या हो रहा है हवेली में? कैसा शोर है ये? क्या हुआ महेंद्र? माँ भाग किसी देवदास से मिलने जा रही है। पागल हो गई है वो, रुको उसे। पार्वती पार्वती रुक जाओ, देखो ये हवेली की चौखट बंद कर पाए। छोटी माँ रुक जाइए, महेंद्र महेंद्र हाथ रोको।
छोटी माँ रुक जाओ, बाबूजी ने बाहर जाने को मना किया है। छोटी माँ रुक जाइए, छोटी माँ रुक जाइए, छोटी माँ। हवेली के सारे दरवाजे बंद कर दो। मासूम बचपन को जहां सपना सजाया था, जहां बचपन बिताया था, जहां पेड़ों के साए में घरों का एक बनाया था।